हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका एक बार फिर सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू जो हुआ था उसके बाद जो कट ऑफ आने वाला है, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, जो कि 100% सत्य होने की संभावना है। और चलिए देखते हैं वो कट ऑफ कितनी बनती है और क्या क्या मतलब कि कितनी कितने नंबर लोगों पा सकते। तो चलिए देखते हैं वो कट ऑफ क्या होने की संभावना है। पहले तो ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो जूनियर असिस्टेंट का कितने पदों के लिए हुआ था एग्जाम और कितने जो भी एनालिसिस है, मैं वो सब एनालिसिस करके आपको यहाँ पर बताता हूँ कि पहले तो जो पदों की संख्या थी वो 5306 थी, मतलब 5306 थी। और जिसके बाद लिखित एग्जाम जो हुआ, लिखित परीक्षा के बाद जितने लोग पास हुए हैं अभ्यर्थियों की संख्या वो 45,000 है। 45,000 ये अभ्यर्थियों की संख्या है, 45,936। इसके बाद देखते हैं कि जिसमें से जो भी उत्तीर्ण हुए थे, जितने लोग पास हुए थे लिखित परीक्षा के बाद, उनमें से जनरल ओबीसी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट का कितना कितना मेरिट बना है, तो उस हिसाब से फिर आगे की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जनरल का जो जनरल ओबीसी और एससी ये तीनों का जो 23.5 बना था, मतलब कि 23.5 नंबर इन तीनों का बना हुआ है मेरिट। और इसके बाद एसटी का बना हुआ है 14.5 नंबर और फीमेल का जो बना हुआ है, फीमेल कैंडिडेट जो है उनका 24 नंबर बना हुआ है। ये मेरिट का नोटिस भी जारी हुआ था, ये आप देख भी सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और इसके बाद देखते हैं कि जो अगला है टाइप, फिर इसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या। तो टाइपिंग टेस्ट में आप लोग जा रहे हैं, लिखित परीक्षा में कितने लोग पास हुए थे, तो लिखित परीक्षा में यहाँ से देखिए कि 45,936 लोग पास हुए थे। और इसके बाद बुलाया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो टाइपिंग टेस्ट में बुलाया गया उनमें से सामान्य जाति जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो 17,422 कैंडिडेट हैं। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो 22,880 कैंडिडेट हैं। और फिर एससी कैंडिडेट जो है वो 4931 कैंडिडेट हैं, जो कि एससी कैंडिडेट से पास हुए थे। और एसटी के में है 703 कैंडिडेट एसटी से पास हुए हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम कि इनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया, तो टाइपिंग टेस्ट होने के बाद जितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो उन अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर देखिए 12,525 थे। तो 12,525 अभ्यर्थियों को फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जो कि 12 जून 2018 से 7 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन फिर कुछ छूटे हुए अभ्यर्थी थे, तो फिर उन लोगों का 9 अगस्त तक किया गया। तो छूटे हुए अभ्यर्थियों का 9 अगस्त को इंटरव्यू लिया गया। तो इसके बाद इन इंटरव्यू को जितने भी हुए हैं उनके बीच में जितने लोग अब्सेंट रहे हैं, तो अब्सेंट लोगों की संख्या करीब 3,000 लोग हैं। और जो लोग साक्षात्कार में अनुपस्थित रहे हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे भी हैं करीब 750-800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स नहीं दिए थे, या फिर जो बाद में एग्जाम्स दिए थे परीक्षा देने के बाद नोटिफिकेशन डेट के बाद एग्जाम दिए हैं, और या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अंक पत्र में गड़बड़ी वगैरह हो जाने से वो लोग एग्जाम्स मतलब इंटरव्यू से वंचित रह गए हैं। इन लोगों की सीटें इस तरह से ये जो सीटें खाली रह गई हैं, तो करीब 3,000 ये हो गए, और 750 और 500 और मान लीजिए तो करीब 3800-3900 सीटें कम हो गई, मतलब कि कैंडिडेट कम हो गए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो सीट खाली जो कैंडिडेट बचते हैं वो कैंडिडेट बचते हैं 12,525 इंटरव्यू के लिए उत्तीर्ण हुए थे, और इसके बाद 3800 करीब मान लीजिए कि ये कैंडिडेट इंटरव्यू दिए ही नहीं है। तो इंटरव्यू देने वालों की संख्या यहाँ पर हो जा रहा है 8725। तो 8725 कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हुए हैं, मतलब कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि कट ऑफ की संभावना काफ़ी कम हो गई, कभी काफ़ी कम जाने की संभावना है। और मतलब एक सीट के लिए करीब
1.6 लोग, मतलब कि लगभग 1.5 लोग। इससे पहले अगर पूरा सीट पूरा कैंडिडेट अगर होते तो उस समय करीब 2.25 के आसपास पड़ रहे थे दावेदारी। तो अब एक सीट के लिए 1.6 लोग की दावेदारी रहेगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं कम हो गए हैं, और इस तरह से कट ऑफ भी कम जाने की संभावनाएं हैं। और मेरे हिसाब से जो संभावित कट ऑफ होगी वो इस प्रकार रहेगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर संभावित कट ऑफ जो है कि जनरल के लिए जो कट ऑफ बनेगी वो मिनिमम 58.5 बनेगी और मैक्सिमम जो है 63.5 बनेगी। इसके बाद ओबीसी का देखते हैं, तो ओबीसी का 58.5 कट ऑफ होने की संभावना है और 64, क्योंकि ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा हैं और जबकि सीट बहुत कम है, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा ही जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। और इसके बाद एससी कैंडिडेट के देखते हैं, तो एससी कैंडिडेट के लिए 56 नंबर जाने की संभावना है कट ऑफ, और मैक्सिमम जो है वो 60 60 नंबर जाने की संभावना है। इसके बाद एसटी के देखते हैं, तो एसटी के लिए जो संभावना है वो 47 नंबर से 51 नंबर तक है जाने की संभावना। और फीमेल कैंडिडेट की संभावना जो है, वैसे तो फीमेल कैंडिडेट लगभग सारे लोग तो पास ही हो जाएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट लोग का 33% सीट रिजर्व होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग बहुत कम 33% से कम फीमेल कैंडिडेट है, और जिनमें से सबका लगभग होने के चांस है। और वैसे फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ बनेगा वो 58 से 62 के बीच में बनेगा। तो इस तरह से ये देखेंगे कि ये जो कट ऑफ बना हुआ है ये 100% सही होने की संभावनाएं हैं। और आगे फिर देखे इतना ही बस। और अगर आप लोगों को मेरा ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करें, और इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।